बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे पोस्ट में हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बूढ़े माँ बाप को मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते खाने के लिए, यहाँ तक कि घर से बाहर तक निकाल देते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से समझदारी आती है, एक पढ़ा लिखा इंसान समझदार होता है, क्योंकि बचपन से ही घर वालों और बाहर वालों के मुंह से हम सब ने यही सुना है कि पढ़ेगा लिखेगा तब ना समझदार बनेगा, तब ना बुद्धि होगा, और ये बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, इसलिए हम भी ऐसा सोचने लगे हैं और सोचते ही हैं। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी है भाई। स्कूल कॉलेज में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका मकसद है सिर्फ आपको नोट छापने की एक मशीन बनाना, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप पाओ, इसलिए नहीं कि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी पाओ, एक बेहतरीन समाज के निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाओ। अगर सच में पढ़ने लिखने से समझदारी आती ना भाई, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लाखों नौजवान हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी वो बेरोज़गार हैं, वो बेरोज़गार नहीं होते, क्योंकि उनको 20-22 साल के स्टूडेंट करियर में, स्टूडेंट लाइफ में यही सिखाया गया कि एग्ज़ाम पेपर में क्या लिखने से, किस तरह लिखने से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आप टॉप कर सकते हो। लेकिन ज़िंदगी में सफल कैसे बने, एक बेहतरीन ज़िंदगी कैसे जिए, ये उन्हें सिखाया ही नहीं गया। अगर सच में पढ़ने लिखने से समझदारी आती ना, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जेल में पत्थर नहीं तोड़ रहे होते, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है तो जेल में नहीं डाले तो क्या आरती उतारेगा उनकी। अगर सच में पढ़ने लिखने से समझदारी आती ना भाई, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, क्या सब के सब अनपढ़ गवार हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं उनमें से है ना, फिर भी वो हजारों लाखों करोड़ का काला धन छिपा के रखते हैं, तो ये क्या समझदारी वाला काम है, जिसका सीधा असर पड़ता है एक गरीब आदमी पर। कभी सरकारी काम से दौड़ धूप किए हो, कभी कागज पत्र का काम कराए हो खुद से, आपके कागज में जिस इंसान के साइन करने से आपका काम बनेगा, वो इंसान 10,000 रुपया घूस मांग रहा है, तब वो साइन करेगा और मुहर लगाएगा, भले ही आपके पास खाने के पैसे हो या ना हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो इंसान उस कुर्सी में बैठा है तो क्या बिना पढ़े लिखे ही बैठ गया है? नहीं ना, फिर भी वो ऐसा गिरा हुआ काम कर रहा है ना, तो क्या ये समझदारी वाला काम है? मैं उन सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टीचर्स और कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो अपनी शिष्य पर ही बुरी नज़र डालते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो उनको अपने साथ गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल भी करने लगते हैं, बुढ़ारी में घिढ़ारी चढ़ जाती है ऐसे लोगों को, तो ये क्या पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे ही ये लोग टीचर्स बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं? नहीं ना, फिर भी वो ऐसा गलत काम करते हैं ना, तो ये क्या समझदारी वाला काम है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे पोस्ट में हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बूढ़े माँ बाप को मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते खाने के लिए, यहाँ तक कि घर से बाहर तक निकाल देते हैं, तो वो तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर भी ऐसा काम करते हैं, तो ये क्या समझदारी वाला काम है? आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, उनके जो मास्टरमाइंड थे, उनके बारे में जब आप रिसर्च करोगे तब आपको समझ में आएगा कि उनमें से ज़्यादातर लोग हाईली क्वालिफाइड थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी उन्होंने ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया, तो ये क्या समझदारी वाला काम है? आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि समझदारी का पढ़ाई लिखाई से, यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं, ये सिर्फ एक बकवास है। जो इंसान पढ़ा लिखा हो ज़रूरी नहीं कि वो समझदार भी हो। समझ मतलब क्या, समझदार मतलब क्या? समझ मतलब ज्ञान, समझदार मतलब ज्ञानी। समझदारी का सेंटर पॉइंट क्या है? इंसानियत। जो इंसान समझदार होगा वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचे, जिससे इंसानियत शर्मसार हो, इस बात को लेकर हमेशा वो सजग रहता है। समझदार मतलब वो इंसान जो अपने अज्ञान के अंधकार को पूरी तरीके से दूर कर चुका हो, अपने मन के मैल को पूरी तरीके से साफ कर चुका हो, निर्मल हो चुका हो। तो अब चाहे कितना भी बुरा से बुरा इंसान होगा जो उसकी संपर्क में आएगा, तो वो भी उसी के रंग में अब रंग जाएगा, वो भी अब निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो अब ये क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आएगी? देखो, क्या हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बदतमीजी से पेश आए, हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे, हमारी माँ बहन को कोई बुरी नज़र से देखे? नहीं ना। तो फिर ये चीज़ें किसी और के साथ करने के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? अगर आप पहले किसी को गरिया के बात करोगे और आप चाहते हो कि वो इंसान आपसे इज्जत से बात करे, तो ये असंभव है, ऐसा नहीं होने वाला। पहले आप किसी को गरिया के बात करोगे ना, एक ठो गरियाओगे तो वो आपको चार ठो गरियाएगा और धुनेगा पकड़ के अलग से। अगर आप पहले किसी से इज्जत से पेश आओगे तो वो भी आपसे बढ़िया से पेश आएगा। तो इसे क्या समझ में आता है कि पहले हम जो समाज को देते हैं उसी के मुताबिक कई गुना हमें वापस मिलता है। अगर हम कुछ अच्छा दे रहे हैं तो आने वाले टाइम में उसका कई गुना वापस हमें मिलेगा, अगर हम कुछ बुरा दे रहे हैं तो उसका भी कई गुना वापस हमें मिलता है। अब ये कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये सब कुदरत का खेल है, ये हमारी समझ से बाहर है।
लेकिन आज जो हम देते हैं उसका वापस तो हमें मिलेगा ही, ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए क्या देना है ये सोच समझ कर देना होता है। साथ ही समझदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ मान लिया, दिमाग में धारणा बैठा लिया और उसी के आधार पर ज़िंदगी को देख रहे हो, उसी के आधार पर दुनिया को देख रहे हो और उसी के आधार पर किसी काम को देख रहे हो और बोल रहे हो आजकल जो हो रहा है ना ये सब गलत हो रहा है, पहले जो होता था वो सब ठीक था। क्योंकि अभी की जो रियलिटी है दुनिया की, ज़िंदगी की या फिर किसी काम की, आप उस रियलिटी को स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हो, अपनी धारणा में ही खोए हुए हो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते, ना खुश रह पाते हैं और ना ही एक बेहतरीन ज़िंदगी जी पाते। इसलिए अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो उसे तुरंत सुधारो, नहीं तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, बता दे रहा हूँ। तो जो भी रियलिटी है उसको स्वीकार करो भाई और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, यही है असली समझदारी। तो ये बात है, फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।